बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नके चांद का सलाम, और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, दुनिया भर में देखने वाले चाहने वाले वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हैं, और दुनिया भर के तमाम मुसलमान जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद की खुशियां मना रहे हैं, और पाकिस्तान और दीगर ममालिक में जहाँ आज चांद रात है, चांद तो हो चुका, खैर आप ये समझ लें कि सुबह ईद इंशाल्लाह 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 मनाई जाएगी, और सुन्नत इब्राहिम के दिए हुए जो उसूल हैं उसके मुताबिक कुर्बानी की जाएगी। अल्लाह ताला, हमारी दुआ है कि जो हमारे दोस्त अहबाब दुनिया भर में सुन्नत इब्राहिम पर अमल करते हैं, उसके जो बताए हुए उसूल हैं उनके मुताबिक कुर्बानी करते हैं, अल्लाह ताला अपने बारगाह इलाही में उसे कबूल फरमाए, आमीन। दुनिया भर में जो दूसरा क्वार्टर 2021 का गुजरा है, अप्रैल से लेकर जून तक, उसके दौरान जो ग्लोबली सेल मकबूलियत मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन ने जो हासिल की है टॉप 5 में, उसमें इन पाँचों में सबसे हाईएस्ट रिज़ल्ट जो परसेंटेज बढ़ाया है वो है शॉमी ने, जो 83% के साथ बहुत ग्रोथ किया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। शॉमी दुनिया भर में बहुत तेज़ी से अपना मुकाम बना रहा है, और अब एक नया ख़तरा होता जा रहा है कि अब शॉमी और सैमसंग कोरियन ब्रांड की जंग होने जा रही है। अब अगला क्वार्टर देखिए, जो तीसरा क्वार्टर है उसमें कौन विन करता है, कौन पहली पोजीशन पे आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सैमसंग के लिए जिस तरह पहले हवावे ख़तरा होता था, अब वो शॉमी ने उसकी जगह ले ली है, और वो मुसलसल अपनी जो ग्राफ है दुनिया भर में बिलखसूस और बिलवम पाकिस्तान में तेज़ी से अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है, मकबूलियत उसकी ऊपर की तरफ जा रही है। उसमें उनकी पाकिस्तान में जब मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं शॉमी के, जो नई यानी अब तो खैर टाइम हो गया, लेकिन जो मौजूदा क़्यादत है शॉमी इंतज़ामिया पाकिस्तान की, और उनके साथ साथ उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने लगन मेहनत के साथ शॉमी को बहुत मेहनत से ऊपर की तरफ लेके चले गए हैं, और शॉमी की इंतज़ामिया जो है वो दिन रात मेहनत करके इसको आगे की तरफ मज़ीद और तरक्की की तरफ गामजन कर चुकी है। अब शॉमी पाकिस्तान में मुख्तलिफ दुनिया भर की जो बहुत सारी ब्रांड हैं वो पाकिस्तान में असम्बलिंग प्लांट लगा चुकी हैं, और अब सैमसंग का भी आपको इल्म है कि वो पाकिस्तान में मुआहदा कर चुकी है, इंशाल्लाह वो भी चंद माह बाद मेड इन पाकिस्तान सैमसंग भी देगा। इसी तरह शॉमी अब जा रहा है असम्बली प्लांट के लिए, उसके साथ मुजाकरात, शॉमी चाहता है कि जल्द से जल्द हमें जो है उनका आइडिया, उनके हमारे ज़राए ये कहते हैं, ये तस्दीक या तरदीद तो बात की बात है जो वो करेंगे, लेकिन हमारे ज़राए ये कहते हैं कि शॉमी चाहता है कि असम्बलिंग प्लांट जिसके साथ वो बातचीत करें वो रेडी हो, उनके पास सिस्टम तकरीबन ऑन होने जा रहा है, वो मेड इन पाकिस्तान शॉमी भी आपको थोड़े अरसे बाद दस्तियाब होगा। उसके लिए कई जो हमारे पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क में काम करते हैं, बड़े मल्टी नेशनल इदारा है, दूसरे लोग हैं, लेकिन इत्तलात के मुताबिक कुरा जो है वो कराची की जो सबसे पहली असम्बलिंग प्लांट जो नस्ब की गई थी उसके साथ मामला तकरीबन 90% तय हो चुके हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि TT1 के साथ जो उनकी सेकंड जो TT2 है उसके अंदर शॉमी भी तैयार होगा। ये ज़राए कह रहे हैं, तस्दीक या तरदीद ये हमारा काम नहीं है, ये कंपनी का जो असम्बलिंग प्लांट जिसमें काम कर रहे हैं उनका काम है, और शॉमी इंतज़ामिया का काम है। बेसिकली हम तो एक जो हमारी सोर्सेज इत्तला दे रही है वो आपको खबर दे रहे हैं कि अल्लाह ताला इन दोनों के मामला हल करे अगर ये इंटरेस्टेड है। इससे कबल शॉमी की कई जो मुसलसल चंद बड़ी कंपनियाँ नामवर डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनके साथ भी मुजाकरात चल रहे थे,
और कोशिश कर रहे थे कि शोमी उनको मिल जाए और ये जेदी भी करेंगे और बिल्कुल ही भरपूर अंदाज से पाकिस्तान में आएंगे। और इत्तलात के मुताबिक ये भी इत्तला गर्दिश कर रही है कि इसमें रेट वो बनिस्बत जो चाइना की ब्रांड मेडिन है उसके साथ इसके रेट जो है वो पाकिस्तान के कम होंगे, ताकि पाकिस्तान में लोग ख़रीदारी करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सके शॉमी को। शॉमी की जो मकबूलियत है वो दिन ब दिन माशाल्लाह बढ़ रही है, और दीगर ये दीगर जो कंपनियां काम कर रही हैं यहाँ पर वो भी मुसलसल अपनी मकबूलियत के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, और ये होना चाहिए। मकबूलियत एक सेहतमंद माशरे में जो मुकाबला है उसके रुझान को पसंद किया जाता है, ताकि बेहतर से बेहतर क्वालिटी उस मुल्क के आवाम को मिल सके। तो पाकिस्तानी आवाम जो है शॉमी के साथ अभी थोड़े अटैच हो चुके हैं, और थोड़े मज़ीद जो रह गया वो भी इनकी इंतज़ामिया, और अगर मेड इन पाकिस्तान जल्द से जल्द आ गया तो वो रियायत के साथ जो शॉमी एक मज़बूत नेटवर्क चलाता है अपना क्वालिटी के हिसाब से, तो वो यकीनन पसंद किया जाएगा। इसी तरह शॉमी जो है वो तुर्की का जो दौरा है, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो अगस्त की सीटें, क्योंकि तुर्की ने वो क्रोटाइन का मसला कर रखा है, वरना वो तो उनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, वीज़े लग चुके हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि अगस्त के पहले हफ्ते की सीटें वो बुक कराने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। अगली खबर पर जाने से पहले आपसे फिर दरख्वास्त करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी आवाज़ दुनिया भर में जल्द से जल्द पहुँच सके। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान में एक और इदारा जो काम कर रहा है वो फिजी का इदारा है, जिसको बास टेक्नोलॉजी जो है वो डील करता है। इसके अंदर बिलाल शेख बिलाल साहब जो है उनकी टीम काम कर रही है पाकिस्तान में, और कोशिश पूरी उनकी है तनदेही से कि काम हो। इसमें जो है वो पुराने चेहरे भी, कई आमिर शाह साहब और दीगर जो भी पुराने भी नए भी चेहरे मेहनत कर रहे हैं, और वो पासपोर्ट ले रहे हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो स्पेन के दौरे के लिए तैयारी तकरीबन मुकम्मल करने जा रहे हैं, पासपोर्ट ले रहे हैं वीज़ों के लिए। तकरीबन 50 के करीब डीलर्स को पाकिस्तान से यूरोप के दौरे के लिए तैयारी कर रहे हैं। दीगर भी उनकी ऑफर्स हैं, ये मैं तफसीलन एक प्रोग्राम करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा, लेकिन बहरहाल ये है कि फीजी जो है वो स्पेन के लिए अपने डीलर्स को लेके जा रहा है, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको लेके जा रहा है, और उम्मीद है वो उसके लिए पासपोर्ट भी उन्होंने जमा कराने शुरू कर दिए। उम्मीद है कि चंद दिन में उनके लिए स्पेन के लिए इंटरव्यू भी डीलर्स चले जाएंगे इंटरव्यू करने के लिए जो एम्बेसी में। तो ये एक अच्छी बात है, नया इदारा है, तेज़ी से कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में अपना मकाम मज़ीद बुलंद करने के लिए। तजर्बाकार टीम उनके साथ है, और शेख बिलाल एक ज़ाती तौर पे बहुत नफीस शख्सियत हैं, और उनका वो जो है डीलर्स के साथ साथ एक अपनी समाजी नेटवर्क भी बहुत अच्छा रखते हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। तो हमारी दुआ है कि इनके जो MDs हैं, इनके जो इनके डीलर्स हैं, उनको ये अपने बेहतरीन दौरा कराएं स्पेन का। इसकी तफसीलात और दीगर दौरे की तफसीलात आपको मैं एक मुकम्मल प्रोग्राम में दूंगा, और उम्मीद की जा रही है ये दौरा एक यादगार होगा, उनका ये पहला दौरा होगा फिजी वालों का। तो देखिए इंशाल्लाह जैसे ही डेट आती है वो भी आपको ये नाचीज़ बताएगा, लेकिन इत्तलात के मुताबिक ये अगस्त के आखिर में होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फी अमान अल्लाह।